सो फ्रेंड्स, फाइनली हम सादिकाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम खड़े हैं एक जहाज चौक पे। और के ये जाम उन तमाम हसीनाओं के नाम जिन्होंने हमको ठुकराया। तो ये भाई फ्रेंड्स, फुल ग्लास पूरा हो चुका है और फुल ग्लास है हमसे। तो भाई ये मिलाने वाला, दो मिनट, चलो टच। ये तेरे पास दो शीशा तो है नहीं, प्लास्टिक, ऐसे आवाज नहीं आएगी इसकी, आवाज नहीं आ रही। टच हो चुकी है, टच हो चुके भाई। हम सादिकाबाद की मेन सिटी के अंदर आ चुके हैं और ये यहाँ का व्यू है। ये यहाँ पे फेमस टिल्लू अड्डा और उस तरफ हमारा रेलवे स्टेशन है। ये यहाँ पे बनाना वगैरह लगे हुए हैं सादिकाबाद सिटी के अंदर। और इस तरफ सेब है, ये सेब 100 रुपये किलो सेब है, 100 रुपये किलो। तो ये यहाँ के रक्षे हैं भाई। की किराया शहर का? शहर का भाई पुराने एड्रेस है, शहर का 30 रुपये किराया है। कितने किलोमीटर बन जाते हैं? तकरीबन बन जाता 1.5 किलोमीटर। तो भाई 1.5 किलोमीटर के 30 रुपये किराया है, मुनासिब ही है। जितनी महंगाई हो चुकी है, तेल कैसे हो गया है अपना? 240 रुपये लीटर है भाई, 240 रुपये लीटर हो चुका है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये हमारी प्लेटें तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो है जा रहे हैं एक नए सिटी की तरफ। और उसका, उस सिटी का आज से पहले हमने कभी व्लॉग नहीं बनाया, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो पूरी वीडियो पूरा देख के जाना। तो मेरे साथ है रणबीर और ये प्रीतम शर्मा है। तो हम एक हाईवे पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे पौधों की नर्सरी लगी हुई है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ और उसके बाद जो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए सिटी में, और बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पूरा देख के जाना। सो फ्रेंड्स, ये है फ्रूट नर्सरी और छोटे छोटे गमले लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ भी नर्सरी है। तो फ्रेंड्स, चलो चलते हैं हाईवे की तरफ। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम सादिकाबाद पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम खड़े हैं एक जहाज चौक पे। और इस तरफ जो है फ्लाई ओवर जाता है और पीछे की तरफ एक जहाज लगा हुआ है, तो इसी जहाज की वजह से इसका नाम जो है जहाज चौक पड़ा है। और इस तरफ जो पार्क है सादिकाबाद का और दूसरी तरफ है टिल्लू अड्डा। तो अब हम जाने वाले हैं फ्लाई ओवर के ऊपर की तरफ से नीचे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और सिटी को भी आज एक्सप्लोर करेंगे। सादिकाबाद सिटी बहुत फेमस है, तो यहाँ की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स सिटी की तरफ और फिर मिलते हैं सिटी के अंदर। इस वक्त हम आ चुके हैं सादिकाबाद के फ्लाईओवर पर और मेरे बैक साइड पे रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन की पटरियां हैं। और इस तरफ जो है क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ है और इस तरफ हमारा सादिकाबाद सिटी है। और ये फ्लाईओवर का व्यू है और ये मेरे फ्रेंड्स वो भी व्लॉग बना रहे हैं। और इस तरफ जो है फ्लाईओवर से हम आए हैं, अब जाना है हमें दूसरी तरफ, नीचे की तरफ। और अब चलते हैं फ्रेंड्स सादिकाबाद सिटी को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर जो भी चीज़ें अच्छी अच्छी है वो सारी चीज़ें आज कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स। और इस तरफ जो है सामने की तरफ बारात आ रही है और ये देख सकते हैं। तो आज भाई किसी की शादी भी है, तो हम उनको गुड लक बोलते हैं। सारी गाड़ियां जो है बारात में जा रही है, तो हम भाई अब चलते हैं आगे और कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं अभी लेने गया था कोल्ड ड्रिंक्स और मेरे फ्रेंड्स जो है वो उस तरफ बैठे हुए हैं, रणबीर तिवारी और प्रीतम शर्मा। तो अब जाने वाले हैं, वो देख सकते हैं भाई व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो भाई तो उसके बाद आप लोगों को सिटी की, तो भाई ये देख सकते हैं हमारे इस तरफ भी लगे हुए हैं भाई। दुनिया में हजार सिटी होंगे, लाख सिटी होंगे, ये भी लगे हर हर कंट्री में हजारों सिटी है और उन हजारों कंट्री में भाई ये अपना कोल्ड ड्रिंक आ चुका है। तो भाई ये कोल्ड ड्रिंक आ चुका है अपना, तो अभी इन फ्रेंड्स को ठंडा करते हैं क्योंकि काफ़ी गर्मी हो चुकी है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो धूप देख सकते हैं अभी, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा ठंडा पीते हैं, उसके बाद जाएंगे सिटी एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो थक चुके हैं भैया, फुल थक चुके हैं। तो भाई मैं ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो ग्लासेस डिस्पोजल भी मैं लेके आया हूँ, तो उनमें वो डालते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो ये है डिस्पोजल ग्लास, तो रणबीर भाई को मैं बोलूँगा कि वो अभी कोल्ड ड्रिंक्स लगाएँ। तो भाई अभी ये कोल्ड ड्रिंक्स हमारे ग्लासेस 3 लग चुके हैं लाइन में और ये हमारे भाई भी बैठे हुए हैं। बिस्किट तो हमें यहाँ पर मिले नहीं, मैंने को ट्राई किए थे लेकिन कोल्ड ड्रिंक ही मिली। तो भाई ये कोल्ड ड्रिंक जो है 200 रुपीज़ की है, ग्लासेस के साथ डिस्पोजल ग्लासेस हैं, 2.5 लीटर है, हम तीनों के लिए बहुत है 2.5 लीटर है कि नहीं? बहुत ज़्यादा है भाई ये तो। तो अभी बस थोड़ी सी धूप कम होगी तो वीडियो बनाने का मज़ा भी आएगा। तो भर भर के ये जाम उन तमाम हसीनाओं के नाम जिन्होंने हमको ठुकराया। तो
ये भाई फ्रेंड्स फुल ग्लास पूरा हो चुका है और फुल ग्लास है हमसे। तो भाई ये मिलाने वाला दो मिनट, दो नीचे नीचे रख के इधर ऊपर नहीं मत, चलो टच ये तेरे पास दो, ये शीशा तो है नहीं प्लास्टिक, ऐसे आवाज नहीं आएगी इसकी, आवाज नहीं आ रही, टच हो चुकी है, टच हो चुके भाई। ये अदर सिटी में आके फर्स्ट टाइम ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक कर रहे हैं। भाई अलग ही लेवल है, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल, बहुत मजा आ रहा है यार, बहुत ठंडी लेकर आए। तो फ्रेंड्स आ जाओ आप भी पिए, तो फ्रेंड्स आ जाएं आप भी पी लें हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद मिलते हैं आप सिटी में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं? बिल्कुल। तो फ्रेंड्स फाइनली हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी के अब जा रहे हैं सिटी की तरफ, और ये हमसे थोड़ी सी बच गई है, तो देख रहे हैं कि कोई भाई मिल जाए तो उसको कोल्ड ड्रिंक चिपका देंगे, मतलब दे देंगे उसको, लेकिन अभी कोई मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पूल भी बना हुआ है, स्विमिंग पूल, लेकिन उसके अंदर बारिश का पानी वगैरह है, तो कोई भी मिल नहीं रहा बच्चा वगैरह जिसको दें। सो फ्रेंड्स पार्क से हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी के बाहर निकल आए हैं, तो अब चलते हैं सिटी में, और यहाँ पे फ्रूट्स वाले खड़े हैं भाई, तो थोड़ा सा ये आपको टिल्लू अड्डे के नाम से फेमस है जगह, तो थोड़ा सा इसका भी विज़िट करवाते हैं, उसके बाद सामने चलते हैं सिटी के अंदर। तो भाई चलो लगे रहो, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा के आता हूँ, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी सेल होते हैं, और ये सादकाबाद का मेन अड्डा है टिल्लू अड्डा, तो ये यहाँ पे बनाना वगैरह लगे हुए हैं सादकाबाद सिटी के अंदर। और इस तरफ सेब है, ये सेब 100 रुपये किलो सेब है, 100 रुपये किलो। और ये पार्क था जहाँ से हमने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी, और इस तरफ ये सब्जी वगैरह लगी हुई है सादकाबाद की, और ये फ्रूट्स वगैरह हैं, तो ये यहाँ पे अंगूर बनाना केले वगैरह सारा कुछ फ्रूट्स है भाई। तो फ्रेंड्स ये है टिल्लू अड्डा, सादकाबाद का बहुत फेमस, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये टिल्लू अड्डा जो है सादकाबाद के अंदर। तो चलते हैं आगे, तो यहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह के स्टॉल लगे हुए हैं। तो ये है सादकाबाद सिटी का व्यू, तो यहाँ पे भाई पानी पूरी वगैरह चाट वगैरह भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये पानी पूरी का स्टॉल है, और ये पॉपकॉर्न, हमारे पॉपकॉर्न्स, तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉपकॉर्न वगैरह भी बिक रहे हैं, और अभी धूप का समय है तो थोड़ी गर्मी वगैरह भी हो रही है, लेकिन व्लॉगिंग में भाई ये सारी चीज़ें चलती रहती है, कभी धूप कभी गर्मी, और ये बनाना है, और यहाँ पे भी पॉपकॉर्न लगे हुए हैं, तो ये है हमारे पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे काफ़ी जो है पॉपकॉर्न के स्टॉल लगे हुए हैं, क्योंकि सामने की तरफ कॉलेज है, तो उसकी वजह से, लेकिन कॉलेज अभी संडे है तो ऑफ होगा, तो वो आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो ये भाई खूबसूरत पार्क है सादकाबाद सिटी का, और काफ़ी लोग भाई मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मैं बाहरी दुनिया से आ गया हूँ, एलियन टाइप। तो यहाँ पे इतना व्लॉगिंग का वो नहीं है। तो ये पता नहीं किस चीज़ का एक ऑफिस है, FFC ऑफिस। तो यहाँ पे भाई डॉग्स घूम रहे हैं, कहीं डॉग मेरे मत्थे ना लग जाएं, तो ये जा रहे हैं डॉग्स, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे सिटी आने वाला है, अब चलते हैं सिटी, और सिटी के अंदर ही आपको दिखाते हैं व्यू। तो अब मैं सड़क क्रॉस करके दूसरी साइड पर जाने वाला हूँ। तो भाई सड़क क्रॉस करने वाले हैं अभी, दो तीन बाइक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, और लोग जो है ज़्यादातर हमें देख रहे हैं कि भाई ये क्या करता फिर रहा है, लेकिन मैं तो भाई लगा पड़ा हूँ। और इस तरफ जो बैटरी वगैरह की शॉप्स है, कुछ बाइक्स वगैरह की शॉप्स है, और रोशनी मेरे पीछे की तरफ से आ रही तो कुछ साफ दिख नहीं पा रहा। तो यहाँ पे भाई बर्ड्स की शॉप है, ये देख सकते हैं पिंजरे वगैरह लगे हुए हैं, और पीछे पैरट्स वगैरह बने हुए हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा पार्क भी बना हुआ है जिसके ऊपर ये गाड़ी है, ये गाड़ी है भाई, और ये बाइक्स है, कुछ बच्चे लगे हुए हैं। तो भाई ये देख सकते हैं, ये भाई झूले खा रहा है। तो इस तरफ जो फैंस की शॉप है, और ये आगे की तरफ खाद वगैरह, खाद जो हमारी मिलती है यहाँ पे पाकिस्तान में अंदर, खाद वगैरह।
तो फ्रेंड्स ये था सादिकाबाद का टिल्लू अड्डा, बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस तरफ जो है अभी बर्गर वगैरह के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, ये देख सकते हैं अभी तैयारी चल रही है। और ये है हमारी एग शॉप। भाई कितने घंटे हैं, कितने के दर्जन है? तो 230 रुपए का दर्जन है, 12 मिलते हैं 230 रुपए के। एक कितने का है? एक 20 का एक है भाई, 230 के 12, मतलब 10 रुपए आपको बचत है। और इस तरह के ऑटो रिक्शा होते हैं हमारे यहाँ पे। आगे हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, साथ का बात के अंदर हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। और तो भाई ये यहाँ पे फेमस टिल्लू अड्डा, और उस तरफ हमारा रेलवे स्टेशन है। तो भाई लोग मुझे देख देख के हंस भी रहे हैं कि ये भाई क्या कर रहा है, लेकिन लोगों को हंसाना ही तो हमारा काम है। तो भाई मैंने आपको पूरा टिल्लू अड्डे का विज़िट करवा दिया है। आप पूछते हैं भाई एक रवा वाले, तो भाई कैसे है भाई किलो रवा? 100 रुपये किलो। तो भाई ये 100 रुपये के रवा हैं, ये रवा होते हैं भाई 100 रुपये किलो है, तो ठीक ही है। एक गिर गया था भाई का, ये वापस रख दिया भाई, लगे रहो। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ, और ये हमारी गोभी है। बाबा जी गोभी कैसे हैं? 100 रुपये किलो। तो भाई ये 100 रुपये किलो गोभी है, फ्रेश है बिल्कुल। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स की तरफ, फ्रेंड्स के पास जा रहा हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। तो भाई मैं सड़क क्रॉस कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलते हैं आप सिटी की तरफ। सादिकाबाद की मेन सिटी के अंदर आ चुके हैं, और ये यहाँ का व्यू है। तो कुछ खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रहे हैं हम, तो कुछ खाना पीने के लिए ले रहे हैं। तो ये हमारे फ्रेंड्स वगैरह भी खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो पकोड़े और कुछ रूल्स हमने लेने थे, लेकिन अभी भाई के पास सिर्फ पकोड़े ही हैं, रूल ख़त्म हो गए भाई। तो अब किसी और जगह पर जाकर ट्राई करते हैं, कुछ रूल्स वगैरह लेते हैं, और खाने पीने की जो भी चीज़ें लेते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो भाई सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कोई अदर कंट्री से आ चुके हैं। तो ये यहाँ के रक्षे हैं भाई। की किराया शहर का? शहर का भाई पुराने से शहर का 30 रुपये किराया है। कितने किलोमीटर बन जाते हैं? तकरीबन बन जाता है 1.5 किलोमीटर। तो भाई 1.5 किलोमीटर के 30 रुपये किराया है, मुनासिब ही है, जितनी महंगाई हो चुकी है। तेल कैसे हो गया अपना? 240 रुपये लीटर है भाई, 240 रुपये लीटर हो चुका है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी भाई जो है मुनासिब प्राइस बता रहे हैं। ठीक है भाई लगे रहो। भाई यहाँ पे पानी वगैरह भी चेंज होता है हमारा, जो पानी वगैरह भर रहे हैं भाई कैंस। और इस तरफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आ जाती है, तो यहाँ पे सेलफोन मार्केट वगैरह भी है। तो हम कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रहे हैं भाई, कुछ समोसे पकोड़े आए, ऐसी कोई हल्की फुल्की चीज़ें मिल जाती हैं तो वो ढूँढ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सिटी बिल्कुल नया है। ये भाई है, तो ये यहाँ पे जो है मतलब सामान वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो इन भाई से बात करते हैं कि इनकी क्या सैलरी, मतलब दिन का क्या बन जाता है, कितना बन जाता है? तो भाई आपका दिन का कितना बन जाता है? भाई हमारी तो दिहाड़ी है 500 रुपया। 500 रुपये दिहाड़ी है, मतलब दिहाड़ी भी आप हो? हाँ। तो यहाँ पे जो सामान वगैरह ले जाने के लिए कौन सी ट्राली इस्तेमाल की जाती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे जैसी रेडियाँ वगैरह होती है, गाड़ी वगैरह होती है, तो यहाँ पे इस तरह के जो रक्षे बने होते हैं, तो इसके अंदर ये सामान देख सकते हैं आपने। अंदर जो है किराने का सामान भाई लेके जा रहे हैं, और ये पीछे किराने का सामान पड़ा हुआ है, कुछ टिश्यू पेपर वगैरह पड़े हैं, कुछ सॉप्स वगैरह, कुछ साबुन वगैरह पड़ी हुई है, किराने का जो सामान होता है। तो भाई लगे रहो। ओके तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं फूड वगैरह लेने। तो भाई ये कितने का समोसा है? 25 रुपये का है। तो फ्रेंड्स ये 25 रुपये का एक समोसा है, और भाई पकौड़े क्या रेट है? 560 रुपये का। 560 रुपये यहाँ पे मतलब किलो का रेट है। और भाई ये रूल कितने का? 15 रुपये का है। तो 15 रुपये का एक रूल है, और ये छोटी समोसी 20 रुपये की तीन। तो ये भाई ये 20 रुपये की तीन है, और ये 15 रुपये के एक है, और बाकी पकोड़ा का रेट आपको बता दिया है। और यहाँ पे जो है इतने बड़े बड़े समोसे होते हैं हमारे, तो भाई हमें जो है ना 3 समोसे कर दें और कुछ पकोड़े मिक्स कर दें।
और ये एक एक रोल मिक्स करते हैं और बाकी ये तीन पकौड़ियाँ दे दें छोटे समोसे, तीनों प्लेटों को बराबर कर दें जो भी करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम तीन लोग हैं तो तीन प्लेटें बराबर करने वाले हैं, उसमें समोसे भी होंगे हमारे और ये पकौड़े भी होंगे मिक्स और ये छोटी पकौड़ी भी होगी, रोल भी होगा। तो वो प्लेट अभी रेडी होने वाली है, भाई रेडी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको दिखाने वाले हैं। तो भाई प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं और बस चटनी वगैरह डाल रहे हैं भाई, उसके बाद खाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो ये सादकाबाद सिटी में स्ट्रीट फूड है और बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे 24 घंटे भीड़ लगी रहती है क्योंकि इनके पकौड़े वगैरह बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो जब भी सादकाबाद का चक्कर लगे तो स्टेशन के पास, वो स्टेशन है हमारा और इस तरफ जो है चाचा जी के समोसे पकौड़े फेमस है यहाँ पे जी। तो ये बैक साइड पे, तो ये जो मार्केट वाली गली है गाजी वाली तो रैस गाजी वाली गली है और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे स्ट्रीट फूड। तो ये हमारी प्लेटें तैयार हो चुकी है, चारों चीज़ें मिक्स है इसके अंदर। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, काफ़ी भाई हंस भी रहे हैं कि भाई ये कहाँ से आ गए आज, क्योंकि हम आए दूसरे सिटी से तो यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे हैं हमें, लेकिन कोई बात नहीं है। तो हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है, तो भाई हम यहाँ पे लाइन में लग चुके हैं, ये लाइन में लगते जा रहे हैं भाई मेरे। तो हमारे वो प्रीतम शर्मा भी भाई लगे हुए हैं, लोग पागल बोलेंगे, बोलते रहते हैं लोगों का काम क्या होता है, लोगों का काम कुछ ना बोलना होता है। तो भाई ये समोसा और ये छोटी समोसी और ये है पकौड़ा और ये है रोल और उसके साथ चटनी मिक्स की हुई है और एक चम्मच है। तो भाई सबसे पहले पकौड़े टेस्ट करने वाले हैं, गरम गरम पकौड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आती है छोटे समोसे की बारी, तो ये है छोटी समोसी जो कि 20 के 3 है। अच्छा टेस्ट है इनका। उसके बाद रोल है और उसके अंदर चटनी भी डाली हुई है भाई ने, तो ये थोड़ा रोल चेक करते हैं। बहुत अच्छा है। उसके बाद हम चारों चीज़ों का मिक्स करते हैं, उसके बाद खाते हैं, अभी मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। बाय बाय फ्रेंड्स।